नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं ज्योति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। देश में फिर बढ़ने लगी ड्रैगन वायरस की दहशत। दिल्ली में कोरोना के 600 से अधिक नए मामले सामने आए। 45 दिन के बाद मुंबई में सबसे ज्यादा 85 केसेस दर्ज। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को देख फिर लौटा पाबंदियों का दौर। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। रूस और यूक्रेन के बीच में जारी भीषण संग्राम। पुतिन पलटन के घातक प्रहार से थर्राए यूक्रेन के कई शहर। डोनबास रीजन में रूसी आर्मी ने झोंकी ताकत। रूस यूक्रेन जंग का 56वां दिन, दोनों देश झुकने को तैयार नहीं। अमेरिका और अन्य बड़े देशों की मदद से यूक्रेनी फौज युद्ध में डटकर खड़ी। अमेरिका यूक्रेन को देगा एक और सैन्य सहायता पैकेज। यूक्रेन में पुतिन का मिशन कब्जा और भी तेज। लुहांस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण संघर्ष जारी, तो वहीं यूक्रेन का दावा डॉनबॉस में बीते 24 घंटे में रूस की कई टैंकी। रूस यूक्रेन को लेकर के आईएमएफ की ओर से बयान। युद्ध के चलते पूरी दुनिया में बढ़ी महंगाई। वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमान को इस साल के लिए 0.8% कम कर दिया गया, 3.6%। यूक्रेन युद्ध में रूस को घेरने के लिए कनाडा का एक्शन। पुतिन की बेटियों समेत 14 लोगों पर लगाया बैन। रूसी विदेश मंत्री की पत्नी पर भी लगाया बैन। रूस और यूक्रेन के बीच 56 दिनों से भीषण संग्राम जारी। रूसी बमबारी और हवाई हमलों से थर्राए यूक्रेन के कई शहर। तो जेलेंस्की ने फिर से की हथियारों की मांग। कहा, अगर हमारे पास जरूरत जितने हथियार होते तो हम ये युद्ध काफी पहले समाप्त कर चुके होते। प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले खुफिया अलर्ट। सीमाओं पर बढ़ाई सुरक्षा। प्रदेश को मोदी देंगे कई सौगात। पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को आएंगे पल्ली गांव। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। यात्रा के तीसरे दिन गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। बोले, जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप से यूनिकॉर्न उभर कर सामने आए। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में 21 अप्रैल को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर जारी करेंगे 400 रुपए का स्मारक सिक्का। गृहमंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा। गृहमंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को जाएंगे मध्य प्रदेश, फिर 23 अप्रैल को बिहार के दौरे पर रहेंगे शाह, तो वहीं 24 अप्रैल को पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे। एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, 8 साल की चर्चा के बाद भारत के पास सिर्फ 8 दिनों का कोयला भंडार। नफरत का बुलडोजर बनकर बिजली प्लांट शुरू कर। पंजाब के मान पर बिफरे आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर कुमार विश्वास। घर पर पुलिस पहुंचने पर मान को दी चेतावनी। ट्वीट कर कहा, भगवंत मान को आगाह कर रहा हूं, दिल्ली में बैठे आदमी को पंजाब की ताकत से ना खेले। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मिशन 2023-24 को लेकर सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की अहम बैठक। मुख्यमंत्री गहलोत, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, प्रशांत किशोर सहित दिग्गज रहे उपस्थित। विधानसभा चुनाव से पहले विश्व के नेताओं का जमावड़ा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, WHO के प्रमुख ट्रेडोस पहुंचे गुजरात। वहीं मोदी भी 3 दिन के दौरे पर गुजरात। 21 अप्रैल को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी पहुंचेंगे गुजरात। भाजपा कांग्रेस की चुनावी तैयारी। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान की 54 सीटों पर नजर। प्रदेश के दक्षिणी और गुजरात से सटे जिलों का दौरा करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। तो कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में कराने को लेकर बना। एनकाउंटर के बाद जहांगीरपुरी से हथियारों का सप्लायर गिरफ्तार। हिंसा के लिए हथियार सप्लाई करने का शक, 60 से ज्यादा मामले। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक। कहा, यथास्थिति बरकरार रखी जाए। याचिकाकर्ता ने लगाया आरोप, अवैध तरीके से हो रही कार्रवाई। IAS टीना डाबी, प्रदीप गंवारी संग 20 अप्रैल को बंधेंगी शादी के बंधन में। टीना बोली, मेरे लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय जयपुर के होटल में होंगी रस्में। शिक्षा विभाग में बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण निदेशक थर्ड ग्रेड के 5126 पदों को मिली स्वीकृति। वित्त विभाग ने दी मंजूरी। इस बार टूट सकता है गर्मी का 120 सालों का रिकॉर्ड। विभाग के अनुसार यूपी राजस्थान समेत 8 राज्यों में टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री बढ़ने की आशंका। अप्रैल में होगा सबसे ज्यादा गर्म। मिड डे मील को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। मील लेने से आधा घंटे पहले हेडमास्टर चखेंगे खाना। मील को हरी झंडी दिखाने के बाद भी खाएंगे खाना।
उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक रेलवे मार्ग पर काम की रफ्तार तेज, मात्र 26 दिन में पहाड़ों में बना डाली रेल सुलंग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल विकास निगम के साथ देश की प्रतिष्ठित कंपनी LNT की तारीफ। मरुधरावासी दो दिन के बाद से भीषण गर्मी के लिए हो जाए तैयार, मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अप्रैल महीने में टूट सकते हैं रिकॉर्ड, अप्रैल के आखिरी 3 से 4 दिनों में चलने लगेगी। चलिए इसी बीच बड़ी खबर, मुख्यमंत्री स्पीड न्यूज की खबरों के सुपरफास्ट सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिकराय के बहरावंडा गांव में अज्ञात वजह से 2 छप्परपोश घरों में आग लग गई, आग की चपेट में आने से 2 बेजुबान जानवर जख्मी हो गए, तो वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व सरपंच मुकेश नायक ने घटनास्थल का जायजा लिया। आबू रोड के विद्युत डीपी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, सूचना पर पहुंची FRT की टीम ने डीपी का जायजा लिया और मौके पर डीपी में आई फॉल्ट को दुरुस्त किया। पाली में डिवाइडर निर्माण के लिए रखे गए पत्थरों से टकराने की वजह से कार सड़क हादसे का शिकार हो गई, मौके पर एयरबैग खुलने से सवार 2 लोग बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए। लाडनू में महिलाओं ने अपने अमर सुहाग के लिए चौथ माता की पूजा अर्चना की, इस मौके पर महिलाओं ने माता को लुभाने के लिए भजन कीर्तन का भी आयोजन किया। बौली में वार्ड नंबर 15 में पेयजल लाइन लीकेज की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ग्रामीणों का आरोप है कि जलदाय विभाग को सूचना होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेड़ता सिटी की पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए आवेदन जमा करवाने वाले लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, इस दौरान पार्षद विजयराज सांखला, अमजद खान के सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सूरजगढ़ में भी पुलिस ने गाड़ी के लूट के मामले में 2 आरोपियों सहित 1 गाड़ी जब्त की है, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें न्यायाधीश ने जेल भेजने के आदेश दिए। मेड़ता सिटी के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 22 में राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान का आयोजन हुआ, इस दौरान कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी सहित 200 बच्चे उपस्थित रहे। राजसमंद के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, मौके पर महिला कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पिछले 3 महीने से बकाया भुगतान और कोरोना काल ड्यूटी के मेहनताने की मांग की। नादवारा पर कजरिया घाटी में कई कैबिन में सिलेंडर फटने से आग लग गई, इस घटना की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया, घटना में करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बारा के रारोन गांव में पुरानी रंजिश के चलते अज्ञात युवकों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, युवकों ने पुलिस को बाल विवाह की सूचना दी जिस पर पुलिस पहुंची लेकिन सूचना गलत होने का पता लगा। झुंझुनू के पंचदेव मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ, इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें 800 से अधिक भक्तों ने हिस्सा लिया। फलसुंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी का पदभार डॉक्टर नीरज कुमार ने संभाला, इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। भणियाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ, इस दौरान मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण सहित अन्य सेवाएं प्रदान की गई। लिवाई की ग्राम पंचायत ललवाड़ी में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, कुत्तों ने एक किशोरी पर हमला कर दिया, इस हादसे में बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई, सूचना पर तहसीलदार प्रांजल मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी। सीकर में अभिभाषक संघ के चुनाव चल रहे हैं, चुनावी मैदान में अध्यक्ष पद के 4 प्रत्याशी सहित 19 प्रत्याशी मैदान में है, मौके पर चुनाव संचालन समिति के पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि शाम 4 बजे तक मतदान चलेगा। प्रतापगढ़ के गोरी सोमनाथ महादेव मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय मघभागवत ज्ञान गंगा महोत्सव का आगाज हुआ, इस मौके पर श्रद्धालुओं ने गणपति मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली। झालावाड़ के जगदीशपुरा गांव के समीप जंगल के कुएं में युवक का शव मिले से लोगों में फैली सनसनी, इस दौरान पुलिस ने मौके का किया मुआयना और शव को मोर्चरी में रखवाकर मृतक की पहचान करने में जुट गई। नवलगढ़ में पुलिस ने विवाहिता की मौत के मामले में कार्रवाई कर मृतका के पति को गिरफ्तार किया, आपको बता दें कि मृतका के पीहर पक्ष ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या का आरोप लगाया था। लाठी में वन विभाग के द्वारा की गई तारबंदी में चिंकारा फंस गया, यहां पर श्वानों ने फंसे हुए चिंकारा को अपना निशाना बनाया, घटना की जानकारी मिलने पर वन्यजीव प्रेमियों ने रोष जताया और वन विभाग से कार्रवाई की मांग की। जोधपुर में महिलाएं भींगा माता के पर्व पर सड़क पर हाथों में बैत लेकर निकली, इस दौरान पुरुष बैत से बचते हुए नजर आए क्योंकि बैत कुंवारी युवकों के लिए वरदान के रूप में माना जाता है, मान्यता है कि बैत युवक पर पड़ते ही युवक की शादी हो जाती है। धौलपुर जिला कलेक्टर ने अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर अस्थायी दुकानों के अतिक्रमण को हटवाने के लिए अभियान चलाया, सौराज नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब
एक दर्जन अस्थायी दुकानों का अतिक्रमण हटवाया। पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और शिक्षकों को विद्यालय से संबंधित विशेष निर्देश दिए। गोगुंदा में पिंडवाड़ा हाईवे पर कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया, इस हादसे में चालक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। देसुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री की ओर से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मेले का उद्घाटन जिला कलेक्टर नमित मेहता ने फीता काट कर किया।